महाराज केवल एक ही पुराण की बात नहीं करेंगे, आप स्कंद पुराण को भी उठाइए और लिंग पुराण को भी उठाइए, नर्मदा पुराण को भी उठाइए, शिव महापुराण को भी उठाइए, ये सारी पुराणों में एक जैसी बात मिलेगी। और बेलपत्री के लिए जो वर्णन किया गया वो लिखा गया केवल बेलपत्री के अंतर्गत हस्तकमल पर रहने पर केवल श्री हरि ही नहीं, इस बेलपत्री के तीन पत्तों में ब्रह्मा विष्णु और महेश हमारे हस्तकमल पर विराजमान होते हैं। और बेलपत्री की इन डंडियों को जो जोड़ा गया है, बेलपत्री की जो ये डंडियां जहां पर जुड़ी हुई हैं, उस स्थान पर तीनों देवियां ब्रह्माणी लक्ष्मी और स्वयं सरस्वती स्वयं पार्वती इन डंडियों के मध्य में जहां पर जुड़े हैं ये तीनों वहां पर विराजमान हैं। और उसके बाद भी जो लंबी डंडी रह जाती है डाली से टूटी हुई, तो कहा उस डंडी में 33 कोटि देवता आकर विराजमान हो जाते हैं। यहां तक बेलपत्री में वर्णन किया गया महाराज, उस बेलपत्र की कोई साधारण सी महत्वता नहीं हो सकती। वो कोई सहज नहीं हो सकता। आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 11 वर्ष तक प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खा ले, उसके मुख से निकली हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अच्छे से अच्छा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भी उसके आगे फीका हो जाता है, क्योंकि उसकी वाणी निष्फल हो ही नहीं सकती। जो उसने कह दिया तो वो पत्थर की रकील होगा। शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र अगर प्रतिदिन बस 11 वर्ष तक खाना है, आप खाइए, पर नागा नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। एक समय एक नक्षत्र, अर्थात आप अगर सुबह 7 बजे खा रहे हो तो सुबह 7 बजे ही खाना होगा, 8 बजे खा रहे हो तो 8 बजे ही खाना होगा, पर एक दिन में एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खाना है, बिना नागे 11 वर्ष।